जो शुरुआत में चमक गया वो बढ़िया। मैं अभी ओम श्री मुरलीधर कोल्ड स्टोरेज पर हूँ और यहाँ जो भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या रेट है, किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह की निकासी वगैरह है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कौन सा हाइब्रिड है क्या? 302 है हाइब्रिड। हाइब्रिड के 10 के दाम लगाया है ये। कब लग रहा है? आपसे कही है तो आपको दसम पड़ता ना आ रहा हो, बार टाइम 11 में नहीं आ रहा नहीं। उम्मीद तो यही है ना कि थोड़ा बहुत बढ़े जाए। पानी दो तो फेंको सक्का लाग लगाई अब आए के 9 रुपया स्टार्ट होते व्यापारी काकर मत जाए व्यापारी का कश्मीर बेच के बीच बीच के दे देंगे बेच के नहीं दे काकर के अरे तो बेटा हट जा के आ जाते हो लड़ो मत जो समस्या होता है बता नहीं नहीं खेतो बेचने पर आएगा ना जो 9 रुपया में बिकेगा तो जो बेचो है कभी ना बेचो बिल्कुल अभी ना बेचो शुरुआत में ना करे बेचो चलो 15 ना पहले जाके 11 मिल रहा है तब ना बेचो तो माने अब 10 मिलना है तो और तो खैर ना बिक रहे और जो कुछ स्थिति बनाएगी तो अब इससे बता रहे हो पहले ढूंढ ले भाई साहब 12 में बिक जाए शायद तक लग जाए। उम्मीद तो किसान है रहती है बस बस बात है आ सकते ही रहो किसान उम्मीद भैया किसान तो अब 11 तक कम में ना बेचोगे जाए। हां 11 में कब तक इंतजार करोगे 11 को? अब इंतजार तो आज ही है बस। अब भाई साहब देखो दवाई ने भाड़ा तो बते को लगेगो भाड़ा तो बते को है किसान को तो कुछ बतना नहीं भाड़ा आज देख लो तो भाड़ा पे कुल लगा बते को लेंगे कोई का महीना भर पीछे देख लो तो बते को दवाई पे देखो तो बते को कहानी थोड़ी सी उल्टी पड़ रही है ना। 15 दिन पहले 11 के मिल रहे हैं 15 दिन बाद 10 के मिल रहे हैं 11:30 सवा 11 ज्यादा तो समझ में आ रहा है। आशा दिख रही है कि 11 तो टेम्पो बिक गया तो शायद और बढ़ जाए। मैं उसी वजह से कह रहा हूँ ना उस समय तो चलो आज थी अब 15 दिन बाद डंप भी खत्म हो गया सारी चीजें खत्म हो गई अब बाहर की मंडी होगी। आप भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग जानकारी नहीं करते होगे जानकारी कर रहे हो ज्यादा स्थिति यही दिख रही है साहब बाहर नीचे आ रहा है डाउन हो रहा है जानकारी की तो जी है कि ऐसा हुआ है नियों कहते हैं कि एक बार दो बार से जाए तो बात शायद चटका आ जाए। अच्छा अच्छा समझ में आने से इंतजार में है कि ना बरसात शुरू हो जाए तो भाव शायद चटका आ जाए हो सकता है भाव बढ़ जाए। कोई लागे हाइब्रिड आलू है 10 के दाम लग गए लेकिन जो किसान है हमारे क्या नाम है भैया आपका? अशोक। अशोक भाई है जो वो अशोक शर्मा जी 11 रुपए से कम में देना नहीं चाह रहे। मेरे साथ में ओम श्री मुरलीधर कोल्ड स्टोरेज से देव कुमार जी है। देव जी अगर बात करें तो आपके यहाँ से जो निकासी की शुरुआत है किस समय या किस डेट से हुई है? अप्रैल में हुई है मान के चलो पिछली साल से लेकिन तब की है। पिछली साल से तब कम है जैसे अभी इस वर्ष की बात करें तो अभी तक कितने पैकेट्स की या परसेंटेज में बात करो कितनी निकासी हो गई? कुल मिलाकर के यही है कि पिछली साल से कम है प्रत्येक महीने में। अगर मैं एक फिगर जानना चाहूँ वही ये समझो पिछली साल हमारे यहाँ से आप है पिछली साल हुई थी मान के चलो 20% अभी है 10% निकासी की जो बात करें तो सौदों की या भाव की अधिकतम आपके यहाँ से कितने तक के सौदे हुए? हमारे यहाँ से मान लो 13-13.5 के सौदे हुए हैं। हाइब्रिड 12 रुपए तक बिक्री हुई है हाइब्रिड की 12 तक बाकी जो 37-97 वगैरह 300 की प्लस में लग गई है 13-13.5 तक दब के बिक्री हुई है। अच्छा
शुरुआत में जो शुरुआत में चमक गया वो बढ़िया। तो जो अभी अगर दो चार दिनों की बात करें, दो चार दिनों में जो सौदे हो रहे हैं उनकी रेट ज्यादा क्या है? हाइब्रिड वही 9-10 रुपए, 10.5 रुपए और ये 12 के लपेटे मानो 37,000 की डिमांड अच्छी है, 12-12.5 रुपए मानो। तो अभी 37,000 हाँ हुआ है, 2 दिन पहले भी हुआ है, ये है 1231 70,000 का सौदा हुआ है। बिल्कुल ये 37,000 का है, 37,000 अभी निकासी में जो स्थिति देखे तो किसान की किस तरह की आवाज है, किसान किस तरह से आ रहा है निकासी की? किसान बिल्कुल बंद हो गया आना, बिल्कुल बंद है, कम नहीं बिल्कुल बंद है, क्योंकि ये मार्केट डाउन होने से सब बंद है, मतलब ठप है बिल्कुल, किसान को उसके मन में आपके रेट नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, निकासी के लिए आ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। व्यापारियों की स्थिति क्या है? व्यापारी भी मंडियों में थोड़ी अटक पटक हो रही है, तो वो भी दिक्कत है, दोनों लोग ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ मामले रुके हुए हैं दोनों। व्यापारी को आगे मंडी का आइडिया बहुत ज्यादा नहीं है और किसान को भाव का बिल्कुल, वैसे बहुत ज्यादा निकासी की स्थिति अभी हाल फिलहाल में ज्यादा अच्छी नहीं है।